बहुत सारे बदलाव आए हुए हैं बीते कुछ महीनों में पाई की तरफ से, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन कौन से ऐसे सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो कौन कौन से सर्विसेज हैं क्या आप बता सकते हैं? सर, पहले से तो सिर्फ सिर्फ आपका जो कार्ड था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है, जीरो मेंटेनेंस था ये अकाउंट, देखिए अभी भी जीरो मेंटेनेंस अकाउंट है ये, एंड जी, और डेबिट कार्ड के अभी चार्जेस जो है अप्लाई किए हैं, अप्लीकेबल होते हैं अभी फर्स्ट एंड सेकंड डेबिट कार्ड भी जो है, मतलब स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए, लेकिन वही अगर आप अपग्रेड करवाते हो आपके अकाउंट को तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो कार्ड भी, मतलब 12 फरवरी के बाद से। अच्छा, अकाउंट टाइप आपने शायद 2 से 3 खोल के रखे हुए हैं जिसमें से कि शायद सैलरी या फिर इनफाइनाइट अकाउंट में कुछ तो भी अलग दे रहे हैं, आई थिंक जो जीरो बैलेंस अकाउंट में था वो अभी फिलहाल इनफाइनाइट या फिर सैलरी अकाउंट में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर, स्टैंडर्ड के लिए भी है, स्टैंडर्ड अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पहले था फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड, एज ऑफ नाउ नहीं है, आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस होते 199 प्लस 18% जीएसटी जो कि 235 रहेगा, और पहले एनुअल फीस भी नहीं थी, जो कि एनुअल फीस भी अभी अप्लीकेबल किए हैं, लागू किए हैं 199 प्लस 18% जीएसटी जो कि 235 रहेगा, और फॉरेक्स चार्जेस भी है सर 2.5% जीएसटी, एंड चेकबुक चार्जेस भी है, चेकबुक चार्जेस तो पहले से ही थे, लेकिन वही अगर आप अपग्रेड करते हैं 5 प्लस इनफाइनाइट या फिर सैलरी अकाउंट में आपके अकाउंट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 5 प्लस के लिए लेकिन बैलेंस मेंटेन रखना होता 10,000 रुपीज उसका मिनिमम क्राइटेरिया है, जिसमें आपको 2x प्लस एफ आई कॉन्स जो है रिवर्स के रिवर्स मिलते हैं, एंड इसका मिनिमम क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया आपको 10,000 रुपीज है, देन जब इन्वेस्ट करते हैं आप जो स्टैंडर्ड अकाउंट में 7% इंटरेस्ट में मिलता है आपको, एंड जम्प फाइव में आपको 1% इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसका डेबिट कार्ड आपका फ्री रहेगा, एंड जो एनुअल चार्जेस है अगर आप 12 मंथ्स में आपका 25,000 से ज्यादा स्पेंड होता है डेबिट कार्ड पे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे डेबिट कार्ड पे, फिर फॉरेक्स डेबिट का फॉरेक्स चार्जेस जो 50,000 तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके बाद दम चार्जेबल रहेगा सर ट्रांजेक्शन एवरी मंथ, एंड चेकबुक आपको इसमें फ्री प्रोवाइड किया जाता है, वही इनफाइनाइट एंड सैलरी में जो है सैलरी में सिर्फ आपको कुछ मेंटेन रखने की जरूरत नहीं होती है, और इनफाइनाइट का जो क्राइटेरिया वो 50,000 का है, बाकी रिवर्स भी इसके सेम ही है, 4x 5 काइंड आपको एक्स्ट्रा रिवर्स मिलते हैं, एंड इसमें सैलरी के अलग डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो कि आपके सैलरी अकाउंट पे मिलते हैं, एंड इनफाइनाइट का जो है एक्स्ट्रा 2% कैशबैक यूपीआई एंड डेबिट कार्ड के स्पेंड पे आपको मिलता है 500 रुपीज एवरी मंथ तक पर मंथ तक मिलता है सर, एंड इन्वेस्टमेंट अगर जंप में करते दोनों में आपको 9% इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिजिकल डेबिट कार्ड फ्री रहेगा, नो चार्जेस, एनुअल चार्जेस भी नहीं रहेंगे इसके, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉरेक्स चार्जेस जो है अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन पे रहेगा जीरो चार्जेस पे, ठीक है, एंड चेकबुक फ्री रहेगा इसमें भी दोनों में भी पहला चेकबुक। तो आपने जितना अच्छा बताइए पहले मैं सुन लेता हूँ। ना ना एक्चुअली मतलब ये पूछना चाहते कि अगर अब जैसे कि आपने पहले से यूजर आपने कहा था तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ वो चार्जेस लगे हुए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं सो दैट मैं आपको क्लेम कर सकूँ। देखिए मैम फिलहाल तो आप देख सकते हैं मेरा जीरो बैलेंस अभी अकाउंट लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है आपके अकाउंट को यूज किए हुए, तो ये है कि आप लोग ने बहुत दिन पहले लगभग 1-1.5 साल पहले बहुत प्रॉमिस कर रहे थे कि डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है, और इसके अलावा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड फॉरेक्स चार्जेस रिलेटेड, इसके अलावा क्या कहते हैं कार्ड को रिप्लेसमेंट करवाएं तो उसके लिए चार्जेस, और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज चार्जेस हैं जो कि मैं फिलहाल नहीं जानता हूँ, और कुछ कुछ हिडन चार्जेस भी मैंने देखे हैं जो कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन करके नहीं रखा हुआ है, वो ये कि अगर हम आपके मतलब ब्रांच में विजिट करते हैं फेडरल बैंक के ब्रांच में विजिट करते हैं तो ब्रांच विजिटिंग के भी चार्जेस होते हैं, ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे से कस्टमर्स को भी लगे हैं, इवन मुझे भी लगे हैं, तो बात ये है कि मतलब ब्रांच विजिटिंग के चार्जेस आप लोग क्यों लेते हैं, तो ये सारी चीजें चार्जेस तो नहीं होते हैं। हाँ एक एक्सप्लेन करना मैं भूल गई, जैसे कि डिपॉजिट कैश डिपॉजिट चार्जेस वगैरह होते हैं वो होते हैं, विजिटिंग चार्जेस तो नहीं होते हैं सर ऐसा कुछ भी, क्योंकि ब्रांच यही नहीं ना, देखिए फेडरल बैंक तो विजिट क्यों करेंगे हम, जब कुछ काम रहेगा तभी तो विजिट करेंगे ना,
कुछ लेना लेन देन रहा या फिर कुछ क्या कहते हैं अगर चेकबुक या फिर पासबुक तो आप लोग प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, इसके अलावा कुछ तो भी सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट जो होती है वो सब अगर आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं ब्रांच से लेकर, तो उसके लिए जो है आप लोग चार्जेस वगैरह लेते हैं ऐसा कुछ तो भी ब्रांच? तो देखिएगा जैसे आप ऑनलाइन करेंगे जी नो बैंकिंग में सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, लेकिन आप कुछ भी फिजिकल करते जैसे कैश डिपॉजिट करते हैं ठीक है बैंक में या कैसे चेक डिपॉजिट करते हैं तो यस उसमें वो चार्जेबल रहता है सर। कुछ भी आप चीजें फिजिकल करेंगे उसके वो चार्जेस रहेंगे क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है तो ऑनलाइन रहने से सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन फिजिकल जो है कैश डिपॉजिट वगैरह तो उसमें आपको एनीवेयर बैंकिंग चार्जेस एंड कैश हैंडलिंग उसके बाद जो भी रहेगा वो 50 रुपीज चार्जेस या तो 0.5 पर 1000 रुपीज 0.5 पैसा। अच्छा तो वो मतलब 1000 रुपीज में जी, उसके बाद जो एक्सीड होगा 10,000 से एक्सीड ज्यादा तो हर 1000 रुपीज में 0.5 पैसा या फिर 50 रुपीज मतलब ऐसा जो भी हायर रहेगा उसके अकॉर्डिंग चार्जेस रहेगा सर। 10,000 से ज्यादा जैसे कि 500 भी हो जाते हैं तो वो 50 रुपीज चार्जेस रहेंगे। अच्छा मैम आप हमें ये बता दें कि पहले तो आप लोग बहुत वादे करते थे तो फिलहाल अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर को इतना चार्जेस आप लोग ले रहे हैं? सर नहीं तो देखिएगा शुरू में तो जो होता है कि बिजनेस स्ट्रेटजीज होती है जो कि सभी अपना करते हैं राइट सर, तो ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया है, अपग्रेड भी किए हैं बहुत सारे प्लान अपग्रेड किए हुए हैं जिसमें आपको इतने सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अब शुरू में सिर्फ स्टैंडर्ड ही प्लान था इसकी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन अभी जो है और भी अकाउंट प्लान उन्होंने लॉन्च किए जिसके कारण स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए चार्जेस एप्लीकेबल किए हैं। अच्छा अच्छा तो मैम एक तो हो सकता था ना कि जैसे कि नए कस्टमर जो अभी आपके साथ जोड़ रहे हैं तो उनके लिए चार्जेस अप्लाई करो, जो पुराने कस्टमर है उनके लिए क्यों ये सब चार्जेस एनुअल चार्जेस वगैरह लिया जा रहा है? नहीं पुराने कस्टमर्स के लिए एनुअल चार्जेस है भी नहीं सर, जिनका अकाउंट जो है फरवरी से बात स्टार्ट हुआ है उनके लिए है। अच्छा अच्छा हाँ अगर आपका अकाउंट नहीं आपका अगर फिजिकल डेबिट कार्ड तब का है तो ही नहीं चार्जेस होंगे, उसके बाद के अगर होगा फरवरी के बाद का अगर आपका कार्ड होगा नया तो फिर उसके चार्जेस रहेंगे। अच्छा अच्छा डेबिट कार्ड मंगवाता हूँ तो मान के चलिए मेरा पुराना ही वाला है तो उसके लिए कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा? नहीं नहीं उस पर नहीं लगेंगे चार्जेस आपको। ये जो नया वाला डेबिट कार्ड मंगवा रहा हूँ जिसको 199 प्लस 18% जीएसटी जो आप लोग ले रहे हैं उसके लिए भी क्या बाद में मुझे एनुअल चार्जेस देने पड़ेंगे? हाँ पहला अकाउंट है जो डेबिट कार्ड था उस पर नहीं लग रहा था, लेकिन फरवरी के बाद अगर आप न्यू अकाउंट न्यू डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसके चार्जेस भी लगेंगे एंड एनुअल चार्जेस भी लगेंगे सर। लेकिन मैम कस्टमर तो पुराना ही हो ना? हाँ सर बट अभी यही अपडेट है सर अजाफ ना तो। अच्छा 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 हाँ जी। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे सर्विसेज हैं जो कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस तो आपका मेंटेनेंस पे है नहीं एंड हाँ डेबिट कार्ड के जो चार्जेस है मतलब एटीएम विड्रॉल पे आपको फेडरल से विड्रॉ करते तो आपको कोई चार्जेस नहीं है सर, अगर एटीएम से अगर विड्रॉ करते हैं तो यस उस पर चार्जेस रहेंगे। अच्छा अच्छा एनईएफटी आरटीजीएस इस सब में क्या कुछ है? नहीं उस बैंक ट्रांसफर के लिए कोई चार्जेस नहीं है सर, जैसे कि मैंने कहा आपको ऑनलाइन अगर आप कुछ भी करते हैं ट्रांजेक्शन के उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा 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 हाँ फिजिकली सिर्फ अगर आप डिपॉजिट करते हैं सीएमसी वगैरह तो वही होता है चार्जेस, अदरवाइज नहीं होते हैं चार्जेस। अच्छा कैश डिपॉजिट मशीन से अगर मैं ट्रांसफर करना चाहूँ अपने अकाउंट में ऐड करना चाहूँ मनी तो फिर उस केस में कोई चार्जेस वगैरह है क्या सर? हाँ सर उसमें भी रहेंगे क्योंकि फिजिकली आप चार्जेस फिजिकली आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ना। तो क्या कुछ चार्जेस है उसके लिए?
चार्जेस तो ऐसा आज मेंशन नहीं किया है, एक एक मिनट दीजिएगा मैं चेक कर लीजिए मैम जी। सर सीडीएम में भी अगर आप करते ना होते तो भी वो सेम ही चार्जेस है ऐसा, 10,000 तक आपको फ्री का ऑफ कॉस्ट रहेगा चार ट्रांजेक्शन आप करते हो तो, उसके बाद जब आप ट्रांजेक्शन करते हो देन वही 50 रुपीज या फिर 0.5 पर ट्रांजेक्शन पर 1,000 रुपीज। सर अच्छा अच्छा मतलब सेम ही चार्जेस जी, कैश डिपॉजिट तो सीडीएम से हो या फिर वैसे भी हो तो फिजिकली हो रहा है ना इसलिए। बट मैम फेडरल बैंक के एटीएम में जैसा कि मैं विजिट करता हूँ, सॉरी सीडीएम मशीन में विजिट करता हूँ, एटीएम कार्ड का यूज करो तो उसमें कोई चार्जेस तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि मैं ब्रांच नहीं जा रहा हूँ, एटीएम जा रहा हूँ, वहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे कि एटीएम फेडरल बैंक का विजिट करता हूँ 5K डेबिट कार्ड के साथ लेन देन करता हूँ तो उसके लिए कोई चार्जेस आप लोग नहीं लेते हैं, अनलिमिटेड टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हाँ सर बट ये है ना कि आप फिजिकली तो चार्जेस वहाँ पे ऐड कर रहे हो ना कैश, इसलिए फिजिकली आप कुछ भी करते हो तो उसके लिए चार्जेस रहेंगे सर। नहीं तो फिर ये फिट नहीं बैठता है मैम इसके रूल्स के हिसाब से, मतलब जैसे कि कैश विड्रॉ कर रहा हूँ तो उसमें चार्जेस नहीं लग रहे हैं लेकिन डिपॉजिट कर रहा हूँ तो उसके लिए चार्जेस ले रहे हैं, ऐसा तो वो भी फेडरल बैंक के एटीएम से सीडीएम मशीन से, ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप एक बार चेक कर लीजिए ना मैम क्योंकि मुझे ट्रांजेक्शन करने हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। डिपॉजिट करना है आपको? जी जी, वो भी एटीएम से करूँ, क्यों ब्रांच विजिट करूँ उसके लिए पैसे लगते हैं, क्योंकि जैसे कि पैसे निकाल रहा हूँ फिजिकली तो निकाल रहा हूँ, ठीक है आपने जैसे कि बताया फिजिकली निकल रहा है तो इसके लिए कोई चार्जेस आप लोग नहीं ले रहे, लेकिन अगर मैं डिपॉजिट करना चाहूँ अपने अकाउंट में तो आप कह रहे हैं कि चार्जेस लगेंगे, आई थिंक थोड़ा चेक कर लीजिए ना मैम उसके बाद ही बताए तो सही रहेगा क्योंकि मैं कल से ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ। हाँ सर ये मैं चेक करके बता रही हूँ, देखिए फिजिकली आप कुछ भी करते हैं, कैश विड्रॉ करना है कैश डिपॉजिट करना है दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, और विड्रॉ करना है तो कम्प्लीटली डिफरेंट, ऐड करना आप फिजिकली जाके आप ऐड कर रहे हो तो बैंकिंग पार्टनर जो रिमिटेंस फी है वो आपसे लेगा सर, तो इसलिए आपको इसलिए 10,000 रुपीज तक चार सेपरेट जो है एवरी मंथ आप चार मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं चार सेपरेट टाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 तक, 10 से 10,000 से पहले तक, लेकिन उसके बाद जितना भी होगा देन उसके डिपॉजिट फीस अप्लाई रहेंगे सर, विड्रॉ करना तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है सर, रिमिटेंस जो है वो बैंक अप्लीकेबल करती है अप्लाई करती है उसके चार्जेस, अगर और भी आपकी कुछ क्वेरी होंगी डाउट होंगे तो मुझे पूछ सकते हैं। और चार्जेस जो है ना कोई हिडन नहीं है, बताना चाहूंगी ये सारे चार्जेस अवेलेबल है, अगर आप वेबसाइट पे फाइव मनी सर्च करेंगे उसमें फीस एंड चार्ज का पेज है, देखिए उस पर क्लिक करके आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे सर, अगर आपको हिडन लग रही है चार्जेस तो। जी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ब्रांच विजिटिंग चार्जेस ऐसा कुछ तो भी? विजिटिंग चार्जेस ऐसे नहीं होता सर, विजिटिंग चार्जेस डिफरेंट राइट, जब आप उसे विजिट कर रहे तो कोई चार्जेस नहीं होते, बट हाँ कोई अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चार्जेस रहेंगे। तो मतलब कैश डिपॉजिट के चार्जेस तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, मुझे ऐसा तो लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ तो लिखा ही नहीं है कैश डिपॉजिट के बारे में। जी तो उसमें होता है एक मिनट में चेक करके बताते हैं आपको। जी पेज ओपन हो रहा है अकाउंट फीस पेपर ब्रांच बस है ना सर, देखिए ना आप चेक कीजिएगा फीस पे अकाउंट फीस पर क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे पेपर एंड ब्रांच बेस वी होप दिस आर फी वन फार बिटवीन मेंशन क्या चेक बुक डिमांड ड्राफ्ट स्टॉप चेक पेमेंट फिजिकल साइंड अकाउंट बैलेंस सर्टिफिकेट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आउट ऑफ रिटर्न चार्जेस इनवर्ड रिटर्न चार्जेस कलेक्शन फीस ये सब कुछ मेंशन किया है। कैश डिपॉजिट के बारे में मेंशन किया है क्या? इनवर्ड रिटर्न फीस था डिक्लाइन चार्जेस तो नहीं नहीं है मैम, वही देख रहा हूँ आपको देख रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ तो भी मेंशन नहीं है। नहीं अभी आपने अंडर रजिस्ट्रेशन में से कॉन्टेक्ट किया था तो मैं आपको लिस्ट भेजती थी सर, अभी एप्लीकेशन पे तो सारे डिटेल्स होती हैं सर वेबसाइट पे, तो आप खुद चेक करिए ना मैम वेबसाइट में कहाँ पे ये मेंशन किया हुआ जो आपने चार्जेस के बारे में बात करा कि अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके लिए 0.5% कुछ तो भी चार्जेस आप लोग लेंगे। हाँ ऐसा कहाँ पे यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। एक मिनट कुछ लिस्ट
एक्चुअली सर हमारे पास वो ये है डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअली में वो आपको सेंड कर सकते थे बट अपने नंबर से कॉन्टेक्ट किया है इसलिए अब वो तो मैं नहीं यहाँ से शेयर कर पा रही हूँ। जो हमारे पास फेडरल की ओर से जो चार्जेस की फीस लिस्ट होती है वेबसाइट पे तो मैं भी नहीं चेक कर पा रही, लेकिन जो ट्रांजेक्शन ये सारे एक्चुअली हिडन तो नहीं होता है जो कि हम ऑलरेडी बताते हैं। नहीं मैम ये तो हिडन ही समझो ना, यहाँ तो मैं हिडन ही समझू ना क्योंकि आपको भी नहीं दिख रहा मुझे भी नहीं दिख रहा, तो ये हिडन चार्जेस ही है एक हिसाब से डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता रहता है मैम। अगर ऐसी बात थी जैसे कि आपने इतने अच्छे से बताया कि 10,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शंस करते हो तो आपको 0.5% ऐसा कुछ तो भी चार्जेस लगेगा, ये सारी चीजें हाँ। यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं है? वो सर कैसा है कि आप जो डिटेल्स है वो अलग ओके हाँ एक मिनट नहीं कुछ अलग नहीं है मैम, आपने जवाब दिया तो सही होगा ना मेरा सवाल? नहीं नहीं मैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओके ओके थैंक यू सो मच, आपने बहुत समय दिया। यू वेलकम सर।